खबर यह है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास गुज़श्ता दौरे हुकूमत के दौरान पिंक रॉक सॉलिड की गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट पर केस नैब में भेजने का फैसला। पिंक रॉक सॉल्ट की खाम हालत में बरामद पर पाबंदी की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक कर लिया गया। किसानों के लिए सूरज की रोशनी से चलने वाले ट्यूबवेल प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तानी खाम माल का बेहतर इस्तेमाल, वज़ीरे आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। इजलास में खाम पिंक रॉक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया। मरीम नवाज ने पिंक सॉल्ट की वैल्यू एडेड मसनूआत पर जामे प्लान तलब कर लिया। चिन्योट में खाम लोहे की माइनिंग का जामे मंसूबा भी 7 रोज में मांग लिया। माइंस एंड मिनरल लेबर की भी सुन ली गई। फलाह बहबूद के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए। वज़ीरे आला मरीम नवाज ने सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी। पंजाब में खाले पक्के करने के प्रोग्राम पर भी मोहर तस्दीक सब्त कर दी गई। इजलास में काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर 56 अकसाम की ज़रई मशीनरी देने का फैसला भी कर लिया गया। अगले 6 माह में किसानों को 1000 लेजर लेवलर्स दिए जाएंगे, जबकि बीज की पैदावार 4 लाख टन से बढ़ाकर 6 लाख टन की जाएगी। वज़ीरे आला मरीम नवाज ने शाम के बटिया बुनियादी मरकज सेहत के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। सुबह सवेरे वज़ीरे आला लाहौर रिंग रोड सदन लूप 3 प्रोजेक्ट का मुआयना करने भी पहुंची।